किसी समाज की उन्नति का मापन उस समाज की औरतों की स्थिति या उन्नति को माप कर किया जा सकता है। यह वक्तव्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। दोस्तों, दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक तलवार की और दूसरी कलम की। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला और दुश्मनी है, लेकिन एक तीसरी ताकत है जो इन दोनों से भी शक्तिशाली है, वह है महिला की ताकत, नारी शक्ति को प्रणाम। मैं हूँ आकांक्षा और आप देख रहे खबीरलाल टीवी। दोस्तों, चर्चित सौंदर्य कंपनी लॉरियल साम्राज्य की उत्तराधिकारी और दुनिया की सबसे अमीर महिला फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एक चर्चित क्लब में शामिल हो गई हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार जब 100 अरब डॉलर संपत्ति अर्जित करने वाली एकमात्र महिला बन गई हैं। लॉरियल के स्टॉक के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मेयर्स की संपत्ति गुरुवार को 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर गई है। वह वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस जैसे लोगों के ग्रुप में शामिल होने वाली एकमात्र महिला बन गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक फ्रांकोइस मेयर्स दुनिया की 13वीं सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो मुकेश अंबानी सबसे धनी लोगों की सूची में 14वें नंबर पर हैं। 70 वर्षीय फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स और उनके परिवार के पास लग्जरी ब्रांड लॉरियल में 35% की हिस्सेदारी है। लॉरियल कंपनी की स्थापना उनके दादा ने वर्ष 1909 में की थी। उनकी मृत्यु के बाद से परिवार ने ब्रांड को और आगे बढ़ाया है और इसे अब 240 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के सौंदर्य उत्पादों के साम्राज्य में बदल दिया है। मेयर्स का जन्म 10 जुलाई 1953 को फ्रांस के न्यूली सुर सीन में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने दादा की कंपनी लॉरियल के संचालन में योगदान देने लगी। 2017 में अपनी माँ लिलियन बेटनकोर्ट की मृत्यु के बाद वो लॉरियल की उत्तराधिकारी बन गई। मेयर संपत्ति के मामले में फ्रांस के जाने माने व्यवसायी बर्नार्ड अर्नोल्ड से अभी काफी पीछे हैं। अर्नोल्ड दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी संपत्ति 179 अरब डॉलर है। बेटनकोर्ट मेयर्स अपने जीवन को काफी प्राइवेट रखती हैं और दुनिया के कई अमीरों के पसंदीदा लाइमलाइट भरी जिंदगी से दूर रहती हैं। उन्होंने 2 बाइबल का 5 खंडों का अध्ययन और ग्रीक देवताओं की वंशावली किताबें लिखी हैं। वो हर दिन घंटों पियानो बजाने के अपने शौक के लिए भी जानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी चर्चित सौंदर्य कंपनी लॉरियल साम्राज्य की उत्तराधिकारी और दुनिया की सबसे अमीर महिला फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी। मैं हूँ आकांक्षा। धन्यवाद।